हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे कि मुंबई में जो हम रह रहे हैं वह रूम कैसा है और उसमें किस तरह का मतलब कि सुविधा है रहने का, खाने का, पीने का। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से वीडियो इस पे डाल रहे हैं लेकिन कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज कोई भी मनोज डे यूट्यूबर है या कोई टेक्निकल योगी या सौरव जोशी ब्लॉगर है, जो भी जिनका भी सब्सक्राइबर 1 से शुरू हुआ होगा, जो आज 20 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, लेकिन उसका 20 मिलियन सब्सक्राइबर पहले से ही नहीं बल्कि ज़रूर हम सब जैसे लोग सपोर्ट करके उनको 20 मिलियन तक पुगाए हैं। तो एक छोटा ब्लॉगर भी अगर चाहे अपना ब्लॉग एडिट करके और ब्लॉग बनाकर सब्सक्राइबर मतलब कि गेन करना और अपने चैनल को ग्रो कराना तो करा सकता है, ये साबित हम करना चाहते हैं। और इसमें आप सब प्लीज़ सपोर्ट करके हमारे भी चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं भी एक सभी का वीडियो देख देख कर मोटिवेट हुआ हूँ। तो अपने चैनल पर ऐसे ब्लॉग बनाते हैं और चैनल को आगे करना, 1 मिलियन तक का हमारा टारगेट है कि हम इस चैनल पे 1 मिलियन का फैमिली को कंप्लीट करें। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करने का काम करें, शेयर सब्सक्राइब करने का काम करें। तो चलिए अब दिखाते हैं कि मुंबई में, सबसे पहले आपको बता दें हम कि अपना इंट्रोडक्शन कि हम बिहार के रहने वाले हैं और हम पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है। सरकारी जॉब न लगने का कारण मुश्किल से हमको मुंबई में आकर कंपनी में काम करना पड़ता है। तो हम काम करते हैं मुंबई में अभी आकर, और दिखाते हैं मुंबई में आए हैं तो कैसा रूम मिला है हमको और इसमें हम रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह ब्लॉग, काफ़ी तो हम तो शुरू किए हैं अपने रूम से ही। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि हम यहाँ पे सोते हैं और काफ़ी हमारे दोस्त सब हैं जो इधर सोते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे देखिए एक गरीब का हाल कैसा होता है। यहाँ पे जो तकिया होता है सिरहानी के लिए, वो देखिए इसके लिए हमने क्या इंट्रोडक्शन लगा दिए हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ईंट लगाए हैं जिसको रख कर सोते हैं हम, इतना मजबूरी झेलना पड़ता है देख सकते हैं। जबकि काफ़ी हम ग्रेजुएशन कर लिया है, एक बीए किए हुए लड़का नौजवान युवक को अगर नौकरी ना मिले बिहार में, जॉब ना मिले तो पढ़ लिख कर क्या करना पड़ता है देख सकते हैं, ईंट पे सोना पड़ता है हमको। ये काफ़ी दूर की बात है लेकिन कोई बात नहीं, आप सब हमारे चैनल पर अब काम करना हम शुरू किए हैं तो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सोते हैं और यहाँ पे जो खाना बनाने का जो किचन का काम होता है वो सब यहाँ पे होता है। और यहाँ पे एक टूटा फूटा सा बोर्ड है देख सकते हैं, जिससे यहाँ से फैन चालू होता है और बंद होता है। और देख सकते हैं यहाँ इस रूम में फैन ऊपर चल रहा है, काफ़ी स्लो चलता है क्योंकि यहाँ पे रूम में ये फैन को कुछ गड़बड़ी लगता है, जैसे में कंडेंसर इसका ख़राब होगा तो इसको तो हम खोल के लगा नहीं सकते क्योंकि ये रूम मालिक का काम है, लेकिन हम सब नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ये रूम लिए हैं इसमें कम से कम 10-12 रूम है जिसमें काफ़ी ऑनलाइन लाइन रहता है हमेशा, तो लाइट बिना लाइट कट की हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे अपना कपड़ा रखे हैं, बैग देख सकते हैं, ये बैग मैंने अभी हाल ही में करीबन 2 महीने के अंदर में ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पे कपड़ा टांगने वाले देखिए हैंगर लगा दिए हैं और इधर खाना बन रहा है, इधर अभी खाना बन रहा है। तो अभी बाहर का आपको इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, इंटरफेस दिखाते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले बता दें इस रूम का किराया लगभग 3,000 से 3,500 लेता है रूम मालिक। तो इस रूम में कुछ भी नहीं है, काफ़ी हम ऐसे ही मतलब कि ज़मीन पर ही सोते हैं, मतलब कि एक मतलब कि यह लगाकर खटिया लगाकर। और बाहर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार सा है, बाहर में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब कि खाली जगह सा है और इधर से हाईवे गुजरता है कुछ ही बगल हमारे बगल से ही। तो कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस है यहाँ का। और देख सकते हैं यहाँ खेती भी होता है मुंबई में, मुंबई के महाराष्ट्र में। और हमारे रूम में जो सुविधा है वो सब आपको हम दिखा ही दिए कि किस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पानी का डब्बा लिए हैं जो पानी हर रोज़ खरीदना पड़ता है, 10 रुपये का एक बोतल, इस बोतल में 10 रुपये का एक बोतल पानी मिलता है।
और हमारे रूम का काफ़ी यही सब इंट्रोडक्शन था। तो आप बता दिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमको सब्सक्राइब करने का काम करें, सपोर्ट करने का काम करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं गरीब हूँ, हमको सपोर्ट करो प्लीज़, ऐसा वैसा रोने लगूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। हमको सच्चे दिल से और सही से इस चैनल पे काम करके यूट्यूब पे, और आप सबसे रिक्वेस्ट सही से पूरे अंदाज से अंदाज, क्योंकि पढ़े लिखे लोग में इतना ज़रूर हौसला होता है कि वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से कोई भी काम को पूरा कर सके। तो हम यह चैनल बनाए हैं, तो हमको विश्वास है कि हम ब्लॉग बनाकर इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे और भविष्य में आगे भी सब्सक्राइबर मतलब कि बढ़ेंगे और आगे भी जाएंगे। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, आप सब काफ़ी 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो हमारा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो काफ़ी कृपया करके देख लिया करिए, क्योंकि हमारे चैनल को ग्रो होने में थोड़ा मतलब कि आसान तरीके से हो जाए। तो आप सब सपोर्ट करें प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे काफ़ी तरीके से ब्लॉग आएंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, ये सब चैनल पे हमारे आते रहेंगे। और अगर आप भी एक छोटे यूट्यूबर हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं एक लाइन में आऊँगा जिस लाइन में आप जुड़िए, और उसी लाइन में हमारे मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपका लिंक देकर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करूँगा, आप सबको भी यूट्यूब पे सक्सेस करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि मनोज डे और काफ़ी हम ऐसे यूट्यूबर के पास भी गए, लेकिन एक बात बता दें, यहाँ पे खाना बन रहा है तो थोड़ा मतलब कि ऐसे झांस लग रहा है, ये नहीं समझिएगा कि ये रो रहा है या ऐसे वैसे बोल के सब्सक्राइब कराना चाहता है, थोड़ा खाना बन रहा है, वहाँ का गैस आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बता दें, मनोज डे और काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनसे हम मिलने का कोशिश किए, लेकिन कोई भी यूट्यूबर सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट किसी से हम नहीं मांगे, बस एक फ़ोटो दो फोटो क्लिक कराने के लिए बोले, उनके साथ वीडियो बनाने के लिए बोले, लेकिन कोई वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ तैयार नहीं है, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, हमको हमारे साथ अगर वो बनाएंगे तो उनका लॉस होगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, मेरी पहचान बढ़ जाएगा। यूट्यूब पे क्या है, आप मनोज डे या सौरव जोशी ब्लॉग या विजय रिया ब्लॉग या थापा सिस्टर जैसे कई इतने ब्लॉगर हैं जिनका ब्लॉग मैं देखता हूँ, काफ़ी मेरा एज तो अभी 20 से 21 साल हो रहा है, ऐसे ऐसे भी ब्लॉगर हैं जिनका उम्र मतलब कि 30 से 40 साल से ऊपर है और वह यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं, तो हम उनका नाम भी बता देना चाहते हैं। यहाँ देख लीजिए जाकर फ्लाइंग वेस्ट को, वो उनका उम्र 45 के करीब है, लेकिन वो ब्लॉग बनाते हैं, तो हमको कौन चीज़ का लाज है भाई, हमको थोड़ा शर्म लगता था ब्लॉग बनाने में, क्योंकि क्या बनाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमने सोचा मेरे चैनल को ग्रो कराना, लेकिन मेरे इस चैनल को ग्रो कराना ही है किसी भी तरीके से। और अब हमने यह ठान लिया है कि इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, और इसमें आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं सच्चे दिल से कोशिश कर रहा हूँ, आप सबका सपोर्ट चाहिए हमको, मैं खुल के दिल से बोल रहा हूँ, तो आप सब सपोर्ट करने का काम करें। जाके देखिए फ्लाइंग बेस्ट, जो कि जिनका उम्र 45 साल हो चुका है और वो भी ब्लॉग बनाते हैं, उनके चैनल पर 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर लगभग है, हमको उतना याद नहीं है, लेकिन उनके चैनल पर मिलियन में सब्सक्राइबर जरूर है। और ऐसे कितने ब्लॉगर हैं जिनका मतलब कि एज बहुत है, लेकिन वो ब्लॉग बनाते हैं, और हमको लगता था कि हमारा ब्लॉग बनाने का मतलब कि एज नहीं है, ये लड़के सब का काम है, लेकिन हमने काफ़ी सरकारी नौकरी के पीछे अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहना। अभी हम कंपनी में मुंबई काम करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर भी हमको ज़िंदगी में आगे जाने के लिए हम चाहते हैं कुछ ना कुछ करते रहें, तो 12 घंटा कंपनी में काम करते हैं और 12 घंटा टाइम मिलता है, जिसमें अब जा रहे हैं हम कि 2 से 3 घंटा ब्लॉग रोज़ डेली अपने चैनल पे अपलोड करें। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस सब को सक्सेस करने के लिए, तो आप सब सपोर्ट करने का काम करें, सब्सक्राइब करने का काम करें प्लीज़। एक आपके सब्सक्राइब कर लेने से मेरा चैनल ग्रो होगा, लेकिन आपको आपने काफ़ी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, मनोज डे और सौरव जोशी ब्लॉग को आप सब्सक्राइब किए होंगे, कितने मतलब कि यूट्यूबर को सब्सक्राइब किए होंगे, ये सब छोटे यूट्यूबर को कोई सपोर्ट नहीं करता, एक फ़ोटो लेने जाइएगा
तो सब फोटो खिंचाने के लिए राजी नहीं होता है। उनको ये यह मालूम नहीं है कि एक से दो तीन चार पाँच करके उनका मिलियन में आज सब्सक्राइबर बढ़ा है और छोटे ब्लॉगर से ही वो बड़े ब्लॉगर बने हैं। तो उनको कम से कम वीडियो बनाना चाहिए ताकि और भी वो फेमस हो, लोग और भी उनको पहचानेगा। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, वो सबको मतलब कि ऐसा लगता है कि इनके साथ ब्लॉगर ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं है, देह में भी टच नहीं करते हैं। उन सबको जाइएगा ब्लॉग बनाने या उनके साथ फ़ोटो लेने तो वो नहीं लेने देते हैं। तो यही सब देख कर हमने ठान लिया कि हम खुद का चैनल खोले हैं, तो किसी के साथ फ़ोटो खिंचाने से और वीडियो बनाने से अच्छा है कि अपने YouTube पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट डालें। और आप सबसे रिक्वेस्ट लगाएं, आप सब ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ये तो मुझे पूर्ण भरोसा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।